ये आईपी तो मैच कर गया बट की मैच नहीं हुई। अब नैड इस आईपी से आ रहा है, ये आईपी नैड में कहां पे है? मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करता हूं, तो ये उसकी वीलैन इंटरफेस का एक आईपी है जिसके जरिए ये उससे कम्युनिकेट करने जा रहा है। मैं ये आईपी भी डेविएट कर देता हूं, अब ना की मैच कर रही है ना उस नैड का आईपी मैच कर रहा है इसमें। फिर टेस्ट रन करता है, यूजर रिजेक्टेड, निस्बतन जल्दी जवाब आ गया। और हम लॉग्स को देखते हैं, वो कहते हैं फेल्ड अटेम्प्ट, टेकेक्स की हिट आई है, वो हमने सिरे से ड्रॉप कर दी है। ये एक ऐसी टेकेक्स हिट आई है जिसका नेट या नेटवर्क डिवाइस, या आप उसको ट्रिपल ए क्लाइंट कह लें, यानी ट्रिपल ए सर्वर आइस है, तो ट्रिपल ए क्लाइंट ये स्विच है जो उसके पास आया है, तो ये अननोन है, उसको पता ही नहीं आइस को, आइस हर किसी को तो जवाब नहीं देगा। नेटवर्क डिवाइसेस में चलते हैं, अच्छा इसके अंदर एक ऑप्शन है ये 2.7 में डिफॉल्ट डिवाइस की, डिफॉल्ट डिवाइस की ऑप्शन बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है और इसको डिसेबल ही रखना चाहिए। अगर बहरहाल इसको मैं इनेबल कर दूं तो मैं यहां पर अगर एक की बता दूं, तो इसका मतलब ये है कि अब कोई भी शख्स किसी भी आईपी से आए टेकेक्स प्रोटोकॉल के जरिए, सिर्फ ये की प्रेजेंट कर दे तो आईस सिस्टम उसको ऑनर कर देगा। ये डिफॉल्ट डिवाइस है, मेक सेंस? ये की ओवरराइड करेगी बाकी कीज के ऊपर? नहीं, जो स्पेसिफिकली मैच कर जाएगा यहां पे वो तो उसी की के साथ ऑथेंटिकेट होगा जो बताई गई है, ठीक है, लेकिन जो अननोन है वो फिर इस डिफॉल्ट डिवाइस के हवाले कर दिए जाएंगे। ऑप्शन इज देयर बट ये जब तक कोई स्पेसिफिक नीड ना हो, आपके पास बहुत सारे ऐसे नेड ना हो जिनका आईपी आपको मालूम नहीं है या वो डीएचसीपी पर है, आपको ये ऑप्शन यूज नहीं करनी चाहिए। तो हम आकर चीजों को वापस दुरुस्त कर लेते हैं, वन कर देते हैं और इसको हम वापस सिंगल स्टार पे ले आते हैं। तो अब कम से कम हमारी जो रिक्वेस्ट है वो किसी ना किसी पॉलिसी सेट तक जरूर पहुंचेगी। हाँ, यूजर नहीं मिल रहा तो वो एक अलग बात है। तो अब हम लॉग्स दोबारा देख लेते हैं, ऑपरेशंस लाइव लॉग्स ओपन कर लेते हैं। सो अब जो हमारे पास लास्ट फेलियर हिट आया है वो कह रहा है कि टेकेक्स की ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट एंडेड विद एरर, यूजर नॉट फाउंड इन एक्टिव डायरेक्टरी, और ये बहुत तफसील से आपको बता रहा है। टेकेक्स की हिट आई, पॉलिसी ग्रुप एवेलुएट किया गया, ऑथेंटिकेशन पॉलिसी की मद में ऑल यूजर आईडी स्टोर्स में जाया गया, पहले इंटरनल यूजर्स को देखा गया, इंटरनल यूजर्स के अंदर नहीं मिला यूजर तो कंटिन्यू किया गया, अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ गए, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऑल एडी ज्वाइन पॉइंट्स की तरफ गए, अब वो ऑल एडी ज्वाइन पॉइंट्स के अंदर एक एडी आईसीटी ट्रेनिंग्स इंटीग्रेटेड है, उसके पास गए, उससे पूछा बता तेरे पास यूजर वन बना हुआ है, उसने कहा नहीं मेरे पास कोई यूजर नहीं है, मल्टीपल ट्राइज की गई नहीं जवाब आया, इवेंचुअली टेकेक्स ने क्या कहा कि जब यूजर नहीं मिल रहा मुझे तो मैं आपकी रिक्वेस्ट को ड्रॉप करूंगा, और इवेंचुअली रिजल्ट क्या है कि यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड, और इस मैसेज को वापस पुश करने के नतीजे में हमें यहां पे मैसेज आया कि यूजर रिजेक्टेड। अब यूजर बना लेते हैं, यूजर कैसे बनाया जाता है? अब यूजर दो जगहों पे बन सकता है क्योंकि हमारा सिस्टम एडी से इंटीग्रेटेड है, हम यूजर लोकली भी बना सकते हैं, एडी में भी बना सकते हैं, हम लोकली बना लेते हैं अभी। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, आइडेंटिटीज में आते हैं,
एडमिनिस्ट्रेशन में, आइडेंटिटीज में, हम यहां पे यूजर क्रिएट करते हैं, यूजर हम यूज कर रहे हैं यूजर वन, और पासवर्ड है उसका CISCO1, और जो मैंडेटरी चीजें थी वो हमने बता दी, दो पे स्टार लगा हुआ है, एक नेम है और एक लॉगिन पासवर्ड, बाकी हम किसी चीज को नहीं छेड़ रहे। सबमिट, यूजर वन बन गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं, तो आप देखिए कि अब हमारे पास क्या ऑप्शन आई है, यूजर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड, हमारा टेस्ट पास हो गया। यूजर नेम यूजर वन और उसका जो भी पासवर्ड आपने भेजा था वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया। और अब हम लॉग्स में देखते हैं, तो हमारे पास ग्रीन टिक आ गया, ग्रीन टिक का मतलब है ऑथेंटिकेशन पास हो गई है। इस पेन को ओपन करेंगे डिटेल्स को, तो ये हमें बताएगा कि यूजर की ऑथेंटिकेशन जो है वो पास हो गई, ऑथेंटिकेशन पॉलिसी डिफॉल्ट की मद में, और उसके अंदर शेल प्रोफाइल भी डिफॉल्ट शेल प्रोफाइल सेलेक्ट की गई, ऑथराइजेशन प्रोफाइल। ये कहां से ली गई, क्योंकि हमारी हमने तो कुछ भी एज सच नहीं बनाया, डिफॉल्ट को यूज किया, ऑथेंटिकेशन पॉलिसी ऑलरेडी पॉइंटेड थी यूजर आईडी स्टोर्स पे, ऑथराइजेशन पॉलिसी के अंदर डिफॉल्ट शेल प्रोफाइल थी। हाँ, कमांड सेट ऑथराइजेशन तो नेट भी पूछ नहीं रहा ना, नेट तो इस मौजू के हवाले से आया ही नहीं अभी आइस के पास कि मैं ये कमांड चला सकूं या नहीं, वो तो सिर्फ आया है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो वो ऑथेंटिकेशन उसकी पास हो गई है डिफॉल्ट शेल प्रोफाइल। तो यहां तक बात क्लियर है जी? ओके, आईओएस के प्रिविलेज लेवल्स का आइडिया है आप सबको, 0 से लेकर जो 15 तक प्रिविलेज लेवल्स हैं, इस कॉन्सेप्ट का आइडिया है आपको। ओके, सो हमारे आईओएस के अंदर जो ग्रेटर देन साइन है, दिस शोज कि आप प्रिविलेज लेवल 1 में, हैश साइन का मतलब है कि आप प्रिविलेज लेवल 15 में है, और जब आपको इसमें भी आने से रोक दिया जाए तो इसका मतलब है आप प्रिविलेज लेवल 0 में है, मींस नो एक्सेस। अच्छा, इन प्रिविलेज लेवल्स को यूं समझिए कि प्रिविलेज लेवल 0 का मतलब है नो एक्सेस, प्रिविलेज लेवल 1 जो है दैट इज लिमिटेड एक्सेस, और उसके बाद है प्रिविलेज लेवल 15, ये है फुल एक्सेस। इसके दरमियान हमारे पास प्रिविलेज लेवल 2 से लेकर 14 तक ऑप्शंस अवेलेबल हैं। याद रखिए, अगर 1 में एक कमांड चल सकती है शो वर्जन, मैं प्रिविलेज लेवल 1 में हूं और एक कमांड रन करता हूं शो वर्जन, तो ये चल रही है, यू कैन सी आई एम इन प्रिविलेज लेवल 1, शो प्रिविलेज करके आप देख भी सकते हैं कि आप किस प्रिविलेज लेवल में हैं। तो करंट प्रिविलेज इज 1, इसके अंदर एक कमांड चल रही है शो वर्जन, और इसके अंदर एक कमांड शो रनिंग डैश कॉन्फिग नहीं चल रही, तो लिमिटेड कमांड्स है ना इसमें, सारी कमांड्स तो नहीं चल रही इसमें। अच्छा, शो वर्जन अगर यहां चलती है तो जहन में रखिएगा कि वो फिर यहां भी चलेगी 2 में, वो 3 में भी चलेगी, वो 4 में भी चलेगी, 5 में भी चलेगी, 6 में भी चलेगी, 14 तक पहुंचते हुए वो 15 में भी चलेगी। ये अपवर्ड डेलीगेट होती हैं कमांड्स। तो जो कमांड आपने नंबर 1 में डाल दी, इस डब्बे में डाल दी, वो नंबर 2 में भी डल गई, 3 में भी डल गई, 4 में भी डल गई, ऑल द वे टिल 15 डल गई। अगर कोई कमांड आप सिर्फ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 14 तक एक जैसे हैं, बाय डिफॉल्ट 1 से लेकर 14 तक एक जैसे हैं,
जो राइट्स वन के हैं वही 14 के हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन 15 जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर तो फुल एक्सेस है, उसमें तो सारी कमांड्स हैं जो पीछे से मुंतकिल होकर आई वो भी और जो उसके अपने अंदर है वो भी। अब आपके पास ये जो प्रिविलेज लेवल्स हैं इनमें अगर तो आप आइस यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग आइस, और आपने करनी है कमांड ऑथराइजेशन, आइस यूज कर रहे हैं और कमांड ऑथराइजेशन करनी है, तो आप सिर्फ दो को ही लेकर चलेंगे, वन को और 15 को, आप भूल जाएं दरमियान में कुछ है। आप वन में जाएंगे, जो भी कमांड चलाएंगे वन के तवस्त से आप हर हर कमांड को आइस से पूछ के एग्जीक्यूट करेंगे, आइस में परमिट होगी तो वो वन में चलेगी, हो सकता है प्रिविलेज लेवल वन में ही खड़े होकर आपकी शो वर्जन डिनाई कर दें, यानी आप प्रिविलेज लेवल वन में है और वहां बैठे बैठे शो वर्जन नहीं चल रही, आप प्रिविलेज लेवल 15 में आए हैं तो प्रिविलेज लेवल 15 में तो सारी कमांड्स चल जाती हैं, लेकिन अब आपने अपनी जो विल है उसको सरेंडर कर दिया आइस के सामने, आपने कमांड ऑथराइजेशन ऑन कर दी है, तो भले आप प्रिविलेज लेवल 15 में आ गए हैं, आप शो रनिंग कन्फिग की कमांड दे तो सकते हैं लेकिन वो चलेगी तब जब आइस अलाउ करेगी। यू कैन नाउ इनवोक कमांड शो रनिंग बिकॉज यू आर इन 15, यू कैन इनवोक इट, यहां तो थी ही नहीं, यहां तो है बट स्टिल देर इज नो गारंटी कि ये चलेगी कि नहीं, यू विल रिक्वेस्ट आइस एंड आइस विल परमिट, अगर परमिट हो गई तो चलेगी वरना नहीं। सो वी विल यूज 1 and 15 ओनली, क्योंकि मजबूरी है, इनिशियली 1 में आते हैं और उसके बाद जम करके 15 में चले जाते हैं, इन दो से हमारी कमांड ऑथराइजेशन के तमाम काम हो जाएंगे। बट अगर आप में से किसी के पास आइस नहीं है तो वो किस तरह से हेल्प डेस्क का रोल, एडमिन का रोल, सिक्योरिटी एडमिन का रोल क्रिएट करे? तो अगर आपने लोकल ऑथराइजेशन करनी है विदाउट यूजिंग आइस तो उसके लिए ये 2 से 14 तक अवेलेबल है। प्रिविलेज लेवल 2 के अंदर कमांड ए और बी डाल दें तो जहन में रखिए कि वो 3, 4 और 5 में भी आ गई है, ए और बी इन सब में आ गई। अगर आप प्रिविलेज लेवल 3 में सी कमांड डाल देंगे तो याद रखिए इससे आगे सब में सी मौजूद है, अगर 4 में आप डी कमांड की परमिशन दे देंगे तो इससे आगे वो मौजूद है, इसमें आप ई कमांड दे देंगे तो इससे पीछे नहीं है, इससे आगे सब में ई मौजूद है। तो ये आप प्रिविलेज लेवल्स यूज कर सकते हैं फॉर लोकल कमांड ऑथराइजेशन विद इन दी iOS, यानी आज किसी के पास आइस नहीं भी है तो वो माहौल कायम कर सकता है करीब करीब जिसमें आप किसी को कोई कमांड चलाने की इजाजत दें या उससे वो इजाजत सलब कर लें। अगर आपने लोकल ऑथराइजेशन करनी है बगैर आइस को इस्तेमाल किए तो उसकी कमांड्स यूं होती,